जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वाकायामा शहर में भाषण के दौरान उन पर एक व्यक्ति ने पाइप बम फेंक दिया था। हालांकि जब तक यह बम फटता, पीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। बताया गया है कि जहां पीएम का भाषण होना था, वहां से उन्हें निकाले जाने के ठीक चंद सेकंड के बाद ही जोरदार बम का धमाका सुनाई दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम का भाषण सुनने आए लोगों को इस घटना के बाद इधर उधर भागते देखा जा सकता है। इस वीडियो में इस दौरान देखा जा रहा है कि पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर काबू भी किया है। बताया गया है कि घटना में पीएम को कोई चोट नहीं आई है। वे कार्यक्रम में अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देने आए थे। बता दें कि पीएम फूमियो पर यह हमला पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के 9 महीने बाद हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो पर जुलाई 2022 में एक व्यक्ति ने घर में बनाई गई बंदूक से हमला कर दिया था, जिसमें पूर्व मंत्री की मौत हो चुकी थी। ऐसे में एक बार फिर पीएम पर दोबारा हमला होना सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।